गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं इस अवतार पर हूँ। ये मेरी मम्मी की साड़ी है जिसका लहंगा मैंने सिला हुआ है शूट के लिए, और ये वाली ज्वेलरी है जो मैंने मीशो से मंगवाई है अपने लिए, और अभी यहाँ पर नेकलेस और बड़े बड़े वाले इयररिंग्स आएंगे क्योंकि मुझे राजकुमारी बनना है। ये वाला सॉन्ग ना मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे ये सॉन्ग जब मैंने सुना था तो मुझे ऐसी इच्छा थी कि काश ये मैं करूँ, एंड फाइनली सैंडी सर ने मुझे ये सॉन्ग के लिए अप्रोच किया, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये गाना बहुत अच्छा है। तो मैंने बहुत प्रिपरेशंस करी है, अभी राजकुमारी बनना था तो सबसे पहले मैंने ना एक राजकुमारी माइंड में सोची, लाइक मुझे जोधा वाला लुक करना था, तो मैंने जोधा वाली ज्वेलरी मंगाए हैं मीशो से। ये नथ आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, एंड कल हम लोग शूट के लिए निकलेंगे संजय भंडारी सर के गाँव। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड धनुमाला वाला सॉन्ग तो रॉक होने वाला है बहुत, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो अभी मैं ज्वेलरी के लिए भी जाऊँगी तो मैं थोड़ा व्लॉग बनाऊँगी उस पर, और कल मेरा व्लॉग स्टार्ट होगा क्योंकि कल हम लोग निकलेंगे यहाँ से। सो वॉच द लाइन, बाय। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं संजय सर के गाँव में और मैं रेस्ट कर रही हूँ, और ग्रुप वाले बच्चे हैं इधर और सब है। हैविंग माई ओन टाइम, क्योंकि मुझे ना वो सफ़र करने के बाद ना मुझे बहुत अजीब हो जाता है, मैं थोड़ा चाहिए होता है रेस्ट। कोरियोग्राफर और बेस्ट इंसान इन द होल इंडस्ट्री। गाइस सो हम सब लोग रेडी हो चुके हैं और सैंडी सर भी रेडी हो चुके हैं, व्लॉग बना रही हूँ। इनकी पहले की आदत दोबारा आ गई है जो कि बहुत गलत लग रही है। नहीं तो ये तो मैं सॉन्ग के बाद नहीं ये। चलो ठीक है गाइस, व्लॉग यहीं पे खत्म होता है, बाय। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं शूट पर और मैंने ये पिछौड़ पहन लिया क्योंकि मैं कुमाऊँ की महारानी बनी हूँ, और ये है मेरे साथ Hello. मेरी फ्रेंड्स, हाय मीट सोनी एंड मीट तनु एंड मीट सैंडी सर। अब हम लोग जा रहे हैं लोकेशन पर अब हम जाएंगे लोकेशन पर जो कि यहाँ से थोड़ा ऊपर है, और मेरा लहंगा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है मुझे, तो आगे जब प्रैक्टिस हो रही होगी या सेटअप लग रहा होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके टिल देन बाय। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पे और मैं धूप से बचने के लिए पिछौड़ का सहारा ले रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टैनिंग हो चुकी है मुझे, और मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा काली हो चुकी हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मैं और काली हूँ क्योंकि अभी मेरे और शूट हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे चल रही है रिहर्सल और बहुत धूप है, मतलब इतनी धूप है कि हम आज शाम तक अफ्रीकन बनने वाले हैं, वैसे पहले बहुत काली हो चुकी हूँ उस धूप में काम करके, बट आज तो देखो छोटे छोटे बच्चे। सो गाइस हम लोग बैठे हैं तैयार होकर, ये पीछे यहाँ पर सेटअप लग रहा है और हम लोग धूप में जल रहे हैं, मर रहे हैं, और यहाँ संजय सर का ब्लॉग भी चल रहा है, सब ब्लॉगर बने पड़े हैं। तो कल लग रहा आप लोगों से बहुत बढ़िया मस्त, बस काफल खिला देते मालिक तो मजा ही आ जाता। हाँ सर, अगर संजय सर काफल खिला देते तो मजा ही आ जाता, और बुरांस का जूस हो जाता तो फिर तो चार चांद ही लग जाते।
पर ये इग्नोर कर रहे हैं मुझे क्योंकि नहीं खिलाएंगे। छोटे छोटे बच्चे कैसे रिहर्सल कर रहे हैं, मुझे भी नाचना, चले जालो। सो गाइस स्टिल बहुत टाइम हो चुका है, हमारा सेटअप अभी लग ही रहा है और मैं बैठी हूँ धूप में काली होने के लिए। ये मेरी दगड़ानिया है और ये संजय भंडारी सर की मम्मी है। यार क्यों आप तो इतने सुंदर हो, चलो। और ये है द सिंगर, बहुत थक चुके हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की। मेरा आसन लगा दिया आपने, मेरा सिंहासन आसन से लगा कड़ाई बिछाओ आप लोग बबराट पाओगे, बबराट पढ़ो। तो गाइस यहां पर हमारे जो एक्टर हैं उनकी पगड़ी बंद रही है और सैंडी सर हेल्प कर रहे हैं। किनारा पर नाइस, किनारे का लाल है ना। और ये है सर का गेटअप जाटों वाला। क्या हुआ आप बताओ? जाट तुंगलिया जाट, खास पटी तुंगलिया जाट, खास पटी को तुंगलिया जाट। ये बॉडी डबल है वैसे, ये है रियल वाले। तो अच्छा हम दगड़ियों अपना खास पटी नाच के बोले का दूर मार जाड़ पड़े लो प्याज में हमारे को नाच चौन नाच चौन का एच रणखेतु की सारी चीज है। ये सारी में आज हमारी जो शूटिंग चल रही खास पटी मंडान, खास पटी को जो असली मंडान से आप लोगों का गीत में देखा मिलो। और तुंगले मुल्क के जाटों को जो डांस है उनका पहली तो वे डांस पर आधारित जो पहले के लोग चंद तुंगले मुल्किया जो हमारे यहाँ क्षेत्र का बोलते तुंगले मुल्किया तो तुंगले मुल्के जाट हिसाब से डांस बनता खास पट्टी को मंडान जब लगो तो संगत का मंडान फेल होता है खास पट्टी का। तब रानी जब रानी धनवाल आया था कुमावटी में तो वही स्वागत के हिसाब से बोलो तो आप लोग ये गीत में देख सकते हैं। तो रानी धनवाल आज हमारे बीच में नता सा, हाँ सही बात है, नकली नहीं रानी धनवाल आई थी दूसरे रूप में आई आज पर आई थी ऐसे। हाँ वो रानी मर चुकी है, अब नया जन्म हो चुका है रानी का तो हम नए तौर तरीके से दिखाएंगे। अच्छा हे गाइस इट्स अ सेकंड डे ऑफ शूट और हम लोग उठ चुके हैं एंड हम लोग तैयार भी हो चुके हैं। मैं भी आधा आधा तैयार हूँ, लाइक मैंने ब्लाउज पहन लिया लेकिन ठंड हो रही थी तो मैंने उसके बाद से शर्ट और ये स्वेटर भी पहन लिया है। और अभी मैं ना मतलब बिस्तर में बैठी हुई हूँ आधा, अभी मैंने सिर्फ सर का करा है ठीक है। ये नेकलेस पहनना पड़ा क्योंकि दुपट्टा फिर नहीं लगता ना। और अभी मतलब सेमी सेमी मैं तैयार हुई हूँ और मैंने मेकअप कर लिया एंड गाइस लिटरली मैंने ना बहुत अच्छा मेकअप करा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे मेकअप करना आ गया है, बस आपका ना फाउंडेशन है ना वो थोड़ा हाई कवरेज होना चाहिए। बस अब मुझे मेकअप के टेक्निक समझ आ गई, अब मैं ऐसे ही लुक करूँगी। मेरा मेकअप काफ़ी अच्छा और कल भी मैंने ऐसे किया था तो वो काफ़ी टाइम तक मतलब शाम तक टिका हुआ भी था फेस पे, मज़ा आया। एंड आज हमारा सेकंड डे है शूट का, तो कल काफ़ी कम शूट हुआ था, आज हम लोग करेंगे। एंड गाइस मेरी ना तबीयत ख़राब है, शायद मुझे डायरिया हो गया है और पेट में भी मेरे को बहुत दिक्कत रहती है पहले से ही इन्फेक्शन की वजह से। एंड अब शायद मेरे मोमोज चाउमीन खाने के दिन मुझे बंद करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पेट पर दर्द हो रहा है और इसी तरीके से शूट करना पड़ रहा है, सो करना तो पड़ेगा। बाकी आई विल शो यू लोकेशन में जाके बाकी सारी चीज़ें। ओके बाय। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं शूट लोकेशन पर और शूट का एक छोटा सा पार्ट है तो वो हमारे डायरेक्टर सर यानी कि सैंडी सर करने वाले, और सैंडी सर देखो कितने क्यूट लग रहे हैं। सर का गेटअप हमारा शूट आज का ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, शायद ये लास्ट टेक चल रहा है यहाँ पर। और हमने सारा सॉन्ग निकाल दिया है, सारा शूट लॉन्ग शूट हो चुका है। तो अगर आपको लॉन्ग पसंद चलो साउंड अरे
discover one more talent at the OP. Mr. Sandy said that मेरे पर talent है ना, इनको camera करना भी आ गया. And ये video में जितने transition और वो zigzag greens वाले जो shots हैं ना, वो सारे Sandy से मिले हैं. Thank you.